प्रदेश में केंद्र शासन ने स्पष्ट दिया आदेश कि इन लीगल ड्रग ट्रायल्स जो हुए हैं उसको रोकने के लिए और भविष्य में इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लेने के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2011 लागू किया जाए। उस बात को आज लगभग 2 साल होने को है, लेकिन उस 2 साल की अवधि में भी सरकार ने उस एक्ट को प्रदेश में लागू नहीं किया और अवैध ड्रग ट्रायल को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। विधानसभा में ड्रग ट्रायल्स पर हमारे लगभग 8 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए हम प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे। जबकि दूसरी ओर संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में ड्रग ट्रायल के प्रश्नों के नियमित उत्तर दिए जा रहे हैं। कल की तारीख में 4 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, उसके पहले 5 तारीख में 6 प्रश्नों के उत्तर दिए गए और उसके पहले 1 तारीख के अंदर 3 प्रश्नों के उत्तर लोकसभा के अंदर दिए गए। लोकसभा में तो यहां तक प्रश्नों के उत्तर दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ड्रग ट्रायल्स के ऊपर शासन को न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं, कृपया इसकी जानकारी दें। शासन ड्रग ट्रायल्स के अपराधियों को बचाने का निरंतर प्रयास कर रही है और हमें जानकारी देने से इनकार करके हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करके विधायक की और विधानसभा की अवमानना कर रही है।